हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम आए एक क्रिएटर का वीडियो लेके। तो दोस्तों, क्रिएटर का वीडियो हमें एक कॉम्बो के साथ लेके आए। ऐसा क्रिएटर हमारे पास नहीं है जैसे कि आईफोन का एक सिंगल मॉडल ही जैसे कि उसका बोर्ड के लिए क्रिएटर है, नहीं, हम आईफोन का मल्टी क्रिएटर लेके आए विथ सोल्डरिंग स्टेशन भी उसके साथ में है, सोल्डरिंग आयन भी है। उस क्रिएटर की क्या क्या विशेषता है और उसके साथ में क्या क्या आइटम्स आती है वो सब आपको बताएंगे। उसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। हम उसका डेमो आपको एक सरल भाषा में समझाएंगे कि वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं यूज़ करते हैं, सब हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, प्री हीटर का हम कॉम्बो लेके आए वो भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे वीडियो में अंतिम तक बने रहना। जब आप हमारे वीडियो में अंतिम तक बने रहेंगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि उस प्री हीटर का क्या अर्थ है और वो क्या चीज़ है और वो आपके सर्विस के लिए अपने आपके सर्विस में किसी भी काम को ईजी कर सकता है, कितना ईजी कर सकता है। दोस्तों, एक प्री हीटर एक ऐसी चीज़ है कि आईफोन की आईसी वगैरह निकालने के लिए बहुत ही एक सिंपल काम कर सकता है। आईफोन के आईसी को वगैरह निकालना एक पॉसिबल काम नहीं है कि अपन ऐसे ही आईफोन की आईसी को बोर्ड से उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं। अपने को प्री हीटर बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, हमारे पास प्री हीटर के साथ में आई सॉकेट भी है। हम आई सॉकेट का भी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे और प्री हीटर के अलग अलग भी प्री हीटर है, सेपरेट भी प्री हीटर है आईफोन के। लेकिन जो हम आज लेके आए प्री हीटर, उसकी एक अलग विशेषता है, वो मल्टी है, सब साथ में है। तो दोस्तों, हम प्री हीटर की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा प्री हीटर कैसा है। ये हमारा प्री हीटर का कॉम्बो है दोस्तों, देखिए 4-in-1 प्री हीटर है इसमें। ये सीआर प्री हीटर के साथ में दो तीन और भी आइटम्स आती है। क्या क्या है हम प्री हीटर को अनबॉक्स करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास प्री हीटर के साथ में क्या क्या आता है। एक ये प्री हीटर का सोल्डरिंग स्टेशन है, देखिए ये गोल्ड कलर का है, उसके यहाँ पर पीसीओ प्लग लगता है, ऑन ऑफ बटन है। दोस्तों, प्री हीटर का सपोर्ट है 110 वोल्ट से लगाकर 120 वोल्ट तक एसी इनपुट है। दोस्तों, इसके साथ में एक पावर कोड भी दी गई है और दोस्तों इसके साथ में एक बिट है जो ये सोल्डरिंग आयरन लग दी है, सोल्डरिंग आयरन के आगे हम लगा सकते हैं। ये सोल्डरिंग आयरन भी बहुत हाई पावर की है, उसको हम कनेक्ट करते ही जल्द ही जस्ट ओनली फॉर 2-3 सेकंड में ये गर्म हो जाता है। इतना गर्म होता है कि हम वर्क करने के काबिल हो जाता है, ये इतना गर्म हो जाता है 2 या 3 सेकंड में, जस्ट ओनली फॉर। तो दोस्तों, हमने ये अनबॉक्स कर दिया है। इसके साथ में एक ये केबल भी अवेलेबल है, ये एक इसके साथ में बुक है प्री हीटर की, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या है क्या नहीं, इसके साथ में सब डेमो के रूप में दिया हुआ है। आप हमारे वीडियो के जरिए या इस बुक के जरिए भी समझ सकते हैं, बुक में सारी इंग्लिश लैंग्वेज भी है। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे पास प्री हीटर के साथ में क्या आता है ये आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, एक इसके साथ में केबल आता है, ये दोस्तों आईफोन XS मैक्स और आईफोन X। दोस्तों, इसमें आईफोन X, XR, XS मैक्स ये सब इसमें रहता है। तो इसका ये बॉक्स आता है, देखो आईसी का निकालने के लिए कैसे निकालते, इसके ऊपर बोर्ड रख के ये पीछे से ऐसा दिखता है, फ्रंट का इसका ऐसा व्यू है। दोस्तों, हमने अभी दिखाया है वो आईफोन XS और XS मैक्स का है। ये हम बॉक्स साइड में करते हैं। दोस्तों, सेकंड मॉडल है आईफोन 11 प्रो मैक्स, वो प्री हीटर कैसा दिखता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, इसके साथ में ये प्लेट आती है आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स की, और ये भी है 11 की है, और इसके साथ में एक केबल आती है। इसके साथ में दोस्तों ये प्री हीटर आता है, ये देखो सॉकेट आता है खोलने के लिए, अपने आईफोन के बोर्ड को लगा करके आईसी को निकालने के लिए ये सप्रेसर पर ऑप्शन दिए, हम बोर्ड को सेट करके आईसी निकाल सकते हैं। इसके पीछे का व्यू और फ्रंट का व्यू मैं आपको दिखाया, ये बोर्ड को होल्ड कर सकता है। हमने आपको पहले भी बताया बोर्ड को होल्ड करने के लिए इसके ऊपर ये ऐसे होल्डर दिए हुए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास प्री हीटर का थर्ड मॉडल है, वो ये प्री हीटर 6-in-1 है, इसमें सब साथ में है। ये आईफोन 12 प्रो मैक्स है, ये 12 मिनी है, ये 12 प्रो है ओनली। इसके साथ में केबल्स भी है, ये देखो दोस्तों बहुत ही शानदार आइटम है देखने के लिए। आईफोन 12 प्रो मैक्स, 12 प्रो 12 मिनी, यहाँ पर हम बोर्ड अलग अलग रख सकते हैं, बोर्ड को रखकर उसकी आईसी को हम निकाल सकते हैं, हमें कौन सी आईसी जरूरत है वो। ये देखिए दोस्तों, उसका बैक व्यू भी है। तो दोस्तों, हमने आईफोन के प्री हीटर के बारे में आपको बताया है, जिस प्री हीटर का मॉडल नंबर भी हम आपको बता सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर है WL-T007 यूनिवर्सल सोल्डरिंग स्टेशन। इसके साथ में एक सोल्डरिंग स्टेशन भी है दोस्तों, जो हमारे को सोल्डरिंग स्टेशन अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ सकती, हम इसी के जरिए एक सोल्डरिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं, आईसी निकालने के लिए भी यही सोल्डरिंग स्टेशन हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्री हीटर को हम एक प्लग से कनेक्ट करेंगे, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ में क्या क्या आता है, उसको कैसे सोल्डर करते हैं, थोड़ा बहुत हम आपको उसका वो भी व्यू दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम प्लग से कनेक्ट करेंगे, ये
अभी आप देख रहे हो कि प्रेटर की स्टेशन बॉक्स है, उसमें हम यहाँ से प्लग कर देंगे इसको। यहाँ से हम ऑन कर दिया है, ये देखो यहाँ से ऑन हो गया। अभी हमने ऑफ किसी से कंडीशन में रखा है। हम यहाँ पर एक सोल्डरिंग आयन लगा के आपको डेमो दिखाते हैं कि सोल्डरिंग आयन में कैसे लगता है। सोल्डरिंग आयन को यहाँ से इसका प्लग दिया हुआ, यहाँ से इसको टाइट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है डाउन अप, ये सोल्डरिंग स्टेशन में जो डाउन और अप दिया हुआ है, इसमें अपने सोल्डरिंग स्टेशन को टेम्परेचर होता है वो बढ़ाना है घटाना है वो हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। ये CS1 CS2 और ये दिया हुआ है स्लिप टाइमिंग ये मिनिमम, इसके द्वारा हम उसमें क्या क्या काम कर रहे हैं उसके एडजस्टेबल कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे आगे। तो दोस्तों अब हम अपने प्रेटर को स्टेशन को ऑन करते हैं। हमने ऑन कर दिया है, ये यहाँ पर दिखा रहा है मॉडल, ये देखो इसका टेम्परेचर। हम यहाँ पर एक बिट भी लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक बिट लगा दिया है। हम इसका टेम्परेचर इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं, देखो दोस्तों जस्ट एक सेकंड भी नहीं हुआ अपने को, ये इतना गर्म हुआ है कि हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, इतना ये गर्म हो गया है। फिर ये सोल्डरिंग आयन इतना जल्दी गर्म होता है कि हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, इतना गर्म हो गया है दोस्तों। यहाँ से इसका हम टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं, कैसे कम करना है इसके वो ऊपर सब टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ है। इसमें सब लैंग्वेज भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, दो लैंग्वेज ही होती है इसमें। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया है सोल्डरिंग आयन के बारे में। हम यहाँ से प्रेटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी आपको एक एक बता सकते हैं कि देखिए ये प्रेटर की एक केबल है, एक केबल यहाँ पर लगेगी ऐसे ही जैसे कि सोल्डरिंग आयन लगाया, और इसको फिर से टाइट कर दीजिए। और प्रेटर की सेकेंड केबल यहाँ पर लगेगी इसमें, जैसे हम इसमें लगाएंगे इसमें पावर ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसमें वाइब्रेशन हुआ है, जैसे कि मैंने केबल लगाई, केबल लगाते वाइब्रेशन हो गया है। तो दोस्तों हम सभी में ऐसे ऐसे करके एक एक करके केबल लगाएंगे। ये देखो इसमें डबल मॉडल है, तो एक केबल यहाँ लगा के अपने को बोर्ड यहाँ सेट करके, एक केबल यहाँ लगा के उसकी कुछ आईसी निकालनी है तो दूसरा हम यहाँ लगा सकते हैं। रिटर्न हमारे को वर्क करना है तो सेकेंड ही थर्ड मॉडल ये भी है अपना आईफोन 12 प्रो मैक्स और 12 मिनी। तो हमारे को अलग अलग जगहों में ये केबल को कनेक्ट करना है, और एक उसका हिस्सा है भाग फ्रंट का वो हमारे को स्टेशन में प्लग करना है, और सेकंड हिस्सा है हमारे को इस मॉडल में कनेक्ट करना है, फिर हम इसके बोर्ड को अलग अलग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो आईफोन के बोर्ड के आईसी ओपनर का फ्री हीटर का वीडियो है। तो दोस्तों आपको ये फ्री हीटर का वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही शानदार वीडियो हमने बनाया है। हमने इतनी कोशिश की इस वीडियो को बनाने के लिए, और हमने एक फ्री हीटर एक ही नहीं, हमने बहुत सारे ये फ्री हीटर भी खरीदे हैं। आपको एनी टाइम हमारे पास ये स्टॉक मिल जाएगा, कब भी आप चाहते हो, जब भी चाहते हो, आपको हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर चैट कीजिए, या हमारे को कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, हम आपको उसको बता देंगे कि ये माल आपको कैसे परचेज करना है और उसका वैल्यू क्या है, उसकी वारंटी गारंटी कुछ है नहीं, वो सब हम आपको व्हाट्सएप के जरिए बता देंगे दोस्तों। दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी करना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, अपने निजी दोस्तों को भी शेयर करना। दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू।